हाँ नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ आलोक यूट्यूब चैनल पर अनिल मिश्रा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मिश्रों मित्रों, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि बहुत दिनों से आप लोग जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की इस वैकेंसी को लेकर के बहुत लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि विज्ञापन कब आएगा और विज्ञापन कब आएगा। अंततः विज्ञापन आ ही गया। और एक चीज और आपसे बताएं कि विज्ञापन के साथ साथ समय बहुत कम है, क्योंकि आपकी परीक्षा 31 मार्च के पहले संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए अब आपके पास जो है एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। समय बहुत कम है और आप अपनी परीक्षा में सुव्यवस्थित ढंग से जो है लग जाइए और समय का सदुपयोग करके अपने परिणाम को अपने अनुकूल बनाएं। मित्रों दूसरी बात, जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं अनिल मिश्रा आप लोगों को संस्कृत भाषा का अध्ययन कराऊंगा। पूरा सिलेबस आपका समय से पहले संपन्न करवा दूंगा और इसके बाद रिवीजन आपका पूरा सिलेबस परीक्षा के 15 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 15 दिन आपके पास रिवीजन का रहेगा। तो आज देखिए, आज के डेमो क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, जहां की संस्कृत भाषा में बहुत सारी समस्याएं हैं। साहित्य भाषा को तो आप बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है मित्रों, लेकिन संस्कृत व्याकरण जो कि एक टिपिकल सबसे बड़ी समस्या संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण के प्रश्नों को लेकर होती है। प्रश्न बराबर साहित्य और व्याकरण से लगभग लगभग बराबर प्रश्न आते हैं। पूरे पेपर को आप देखिए तो आपके जो प्रश्न आए हुए हैं लगभग लगभग बराबर। व्याकरण का पोर्शन जो होता है थोड़ा सा लोग भगते भी हैं, समझ में कम आता है, वहां लोग रटने का प्रयास करते हैं मित्रों। इसलिए आज मैं अपने इस डेमो क्लास में संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे संस्कृत व्याकरण की आधारशिला कहा जाता है, आज इसी बिंदु को अपने डेमो क्लास में अध्यापन करवाने चल रहा हूं। और देखिए कितना सरल है, आपको रटना नहीं है। संस्कृत व्याकरण को इस डेमो क्लास के माध्यम से कैसे हमें अध्ययन करना है, आज इस व्यवस्था को कैसे हमें सीखना है, कितने सरलता से हम सीखेंगे, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले जैसा कि आप नाम से ही आपको विदित है, माहेश्वर सूत्र। आप अपने प्रारंभिक क्लास के माध्यम से शुरू से जब आपने शिक्षा की शुरुआत की और संस्कृत भाषा को पढ़ना शुरू किया, वहीं से आपके दिमाग में माहेश्वर सूत्र की चर्चा शुरू हो गई। और कोई ऐसा प्रतियोगी नहीं है जो माहेश्वर सूत्र के बारे में न जानता हो। मित्रों यही संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है। तो देखिए कैसे यहां से लगभग आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कितनों पढ़ के जाते हैं, आप प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आज देखिए इस अपने डेमो क्लास से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह कितना सरल है, संस्कृत व्याकरण को कितने आसानी से समझा जा सकता है, आइए हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मित्रों माहेश्वर सूत्र, थोड़ा सा इसके बारे में आपको प्रसंगता है, जैसा कि नाम से ही विदित है, देखिए क्या है माहेश्वर सूत्र।
माहेश्वर किसका नाम है? भगवान शिव का नाम है। आप इसको तोड़कर पढ़ना चाहते हैं, महाधन ईश्वर संधि विच्छेद कर दीजिए, तो देखिए कितना क्लियर कट हो जाता है। क्या है? दो पदों से यह बना हुआ है, दो वर्णों के शब्दों से बना हुआ है, महाधन ईश्वर माहेश्वर। माहेश्वर किसे कहा गया है? भगवान शिव को माहेश्वर कहा गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो माहेश्वर सूत्र आपका है, कहीं न कहीं किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के उद्भव करता कैसे, कहां से उद्भव होता है, इसको बड़े मार्मिक ढंग से आप देखिए। आचार्य नंदकेश्वर जी कह रहे कि इस माहेश्वर सूत्र के बारे में आज हम तीन व्यवस्था क्रम पर चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र है क्या चीज, माहेश्वर सूत्र का उद्भव कैसे हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ है, इसका व्यवस्था क्रम क्या है, कैसे इसमें जो है आचार्य पाणिनि जी ने संकलित करके जो है इसको व्यवस्था बनाई है। तो देखिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्र का उद्भव कैसे हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो हमने एक चीज बताया कि जैसे नाम से ही आपको विदित है कि माहेश्वर सूत्र का संबंध किससे है, तो कह रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र का संबंध भगवान शिव से है। भगवान शिव से, शिव से संबंधित होने के कारण ही नामकरण कर दिया गया है माहेश्वर। अब देखिए कैसे इसको जो है इसका उद्भव हुआ है, इस व्यवस्था क्रम को जो है कैसे व्यवस्थित किया गया है, इससे पहले इस छंदबद्ध में आचार्य नंदकेश्वर जी ने बहुत आसानी से इसको आपको समझा दिया है। आइए हम लोग अवलोकित करते हैं, पहले इसका वाचन करते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए आचार्य नंदकेश्वर जी कैसे आपको बताते हैं कि इस माहेश्वर सूत्र का उद्भव कैसे हुआ है। तो कह रहे हैं कि देखिए कि नितावसाने नटराज राजो ननाद ढकामनो पंचवारम उधर तुकामासन कादि सिद्धान एतद्दिमर्षे शिव सूत्र जालम। तो देखिए नंदकेश्वर जी कितना मार्मिक ढंग से बताते, एक बार इसका फिर से वाचन आप करिए। करे कि नितावसाने नटराज राजो ननाद ढकामनो पंचवारम उधर तुकामासन कादि सिद्धान एतद्दिमर्षे शिव सूत्र जालम। तो देखिए बहुत आसानी से इसका उद्भव कैसे बताया गया है आचार्य नंदकेश्वर के माध्यम से। करें कि नेतावसाने, नेतावसाने आप सामान्यतः जानते हैं कि भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे थे, उस तांडव नृत्य देखिए दिया नेतावसाने, क्या है नित्तावसाने, तांडव नृत्य के अवसान के अवसर पर कौन? नटराज। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, नटराज किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है, भगवान शिव को क्या कहा जाता है? नटराज कहा जाता है, यह पर्यायवाची शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कह रहे कि नृत्यावसाने नटराज राजो, तांडव नृत्य के अवसान के अवसर पर भगवान शिव क्या करते हैं? कह रहे कि ननाद ढक्काम,
ननाद मीन्स ढक्का मीन्स डमरू को, अपने डमरू को बजाते हैं। कितनी बार बजाते हैं यहां पर बता दिया गया है मित्रों, नौ पंचवारम। थोड़ा सा यहां पर जो है पेंटिंग में अशुद्धि है, यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर आप इसको समझिएगा, नौ पंचवारम, क्योंकि नौ पंच लिखा कैसे जाता है, कारण कि नौ पंचवारम, यहां पर ये शुद्ध इस तरह से लिखा जाएगा। तो कह रहे कि ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, अपने डमरू को कितनी बार बजाते हैं, कह रहे कि नौ पंचवारम, नौ प्लस पांच, कितनी बार बजाते हैं भैया, चौदह बार बजाते हैं, चौदह बार बजाते हैं। अगली लाइन में कह रहे हैं कि उद्धर तु कामा सनकादि सिद्धान, उद्धर तु मीन्स उसमें से, सनकादि, सनकादि मीन्स ध्वनिया, जब चौदह बार अपनी डमरू को बजाते हैं तो उसमें से उद्भव किसका होता है, करक सनकादि मीन्स ध्वनियों का, ध्वनियों का आगम होता है, उसमें से ध्वनियां निकलती हैं। फिर कह रहे कि एतद्दिमर्षे शिव सूत्र जालम, एतद्दिमर्षे शिव सूत्र जालम, उन्हीं ध्वनियों का जो संकलन है, उन्हीं ध्वनियों का जो संकलन है वो है क्या चीज, शिव सूत्र है। तो देखिए बहुत आसानी से आप इसको एक बार सरल ढंग से समझ लीजिए कि भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे और उस तांडव नृत्य के अवसान समापन के अवसर पर अपने डमरू को बजा रहे थे। डमरू को बजाने कितनी बार बजाए, करें कि नौ पंचवारम, चौदह बार अपने डमरू को बजाए। तो कह रहे कि चौदह बार डमरू को बजाने के बाद तृतीय पंक्ति में आप आइए, करें कि उद्धर तु कामा, उसमें से उद्भव होता है, किसका उद्भव होता है, करें कि सनकादि ध्वनियों का उद्गम होता है। और लास्ट पंक्ति में जो छंद की अंतिम लाइन है उसमें बताया जा रहा है कि एतद्दिमर्षे शिव सूत्र जालम, उन्हीं ध्वनियों का संकलन शिव सूत्र कहलाता है। तो अब हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहां से एक प्रश्न बनता है कि इन ध्वनियों का संकलन, ध्वनियों का संकलन करता, देखिए उद्भव कैसे हुआ। एक तो यहां से प्रश्न बना भगवान शिव से संबंधित, कैसे भगवान शिव के डमरू से इसका उद्भव हुआ है शिव सूत्र का। कह रहे कि इस शिव सूत्र को संकलित किसने किया है, तो कह रहे कि आचार्य पारिन ने किया है, आचार्य पारिन ने किया है। तो दो बातें देखिए, एक तो यहां पर जो है उद्भव किससे संबंधित है, शिव से संबंधित होने के कारण इसे शिव सूत्र कहा जाता है, क्योंकि कैसे उद्भव हुआ है आप बहुत आसानी से जान रहे हैं कि भगवान शिव अपने डमरू को बजा रहे थे, उसी डमरू से ये ध्वनियां उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि शीर्षक से ही विदित है, तो यहां आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यहां से आपका निकल के आ रहा है कि भैया जो ध्वनियां निकली उसे संकलित किसने किया, तो यहां से देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आचार्य पाणिन ने इसको संकलित किया है।
तीसरी बात, धोनिया कितनी निकली थी, ये कह रहे हैं कि उन्होंने 14 बार बजाया और 14 बार बजाने पर 14 प्रकार की ध्वनियों का उद्गम होता है। तो देखिए इतनी बात जब समझ में आ गई तो मित्रों आगे आइए। माहेश्वर सूत्र का विकास उद्भव तो आपने जान लिया मित्रों, सबसे पहले अब विकास की बात आती है कि माहेश्वर सूत्र का विकास कैसे हुआ। तो आचार्य पाणिन सबसे ज्यादा संस्कृत व्याकरण पर, संस्कृत भाषा जो थी, संस्कृत भाषा को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसको कैसे शुद्ध परमार्जित किया जाए, तो सबसे ज्यादा काम करने वाले आचार्य पाणिन जी हैं। उन्होंने जो भगवान शिव के डमरू से जो 14 प्रकार की ध्वनियां निकली हैं उनको कैसे, मतलब जो है व्यवस्थित किया है, उसका विकास कैसे किया है, थोड़ा सा आप यहां पर जानना जरूरी है। मित्रों एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, फिर इसके पहले टॉपिक पर आना चाहता हूं कि देखिए संस्कृत भाषा जैसा कि आप जानते हैं यह शुद्ध भाषा है, परिष्कृत भाषा है, परिमार्जित भाषा है। इसमें कहीं पर भी अशुद्धता का स्थान नहीं है। दूसरी चीज यह एक वैज्ञानिक भाषा है। आप अभी कहेंगे कि कैसे भैया संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है, तो जब हम व्यवस्था क्रम की बात आपसे करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक भाषा है। तो देखिए विकास कैसे हुआ है, जो 14 प्रकार की ध्वनियां निकली हैं वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि पहली ध्वनि जो निकली है आप देखिए, कह रहे कि आयुण रील रिक ए ऊ आयोच है वरक लड़ यम गणनम झब घट धस जब गड दस खप चटत चटतो कप सस सर हल। ये 14 प्रकार की ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं, पहली ध्वनि आपने देखा आयुड़, दूसरी ध्वनि क्या है रील रिक, तीसरी एओ, चौथी आयोच, पांचवी है वरक, फिर लड़ यम गणनम झब गड धस जब गड धस, फिर इग्रामा खप चटत चटतो कप सस सर हल। ये 14 प्रकार की ध्वनियां हैं। अब एक चीज यहीं पर मित्रों आपको रटाया जाता है, आपने किया क्या है, जैसे ही संस्कृत भाषा आपने पढ़ना शुरू किया अपने प्रारंभिक स्टेज पर, तो वहां आप करते क्या हैं कि टीचर जो है आपको कहता है कि इसको भैया रट लीजिए, इसको रट लीजिए, बिना इसके रटे आपको संस्कृत भाषा आ नहीं सकती है मित्रों। लेकिन कभी आपको इस व्यवस्था में कभी नहीं बताया गया कि भैया इसको क्यों रटा जाए, आचार्य पाणिन जी ने इसमें क्या हमें बता दिया है, कैसे इसमें व्यवस्था दी है, इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है। इसीलिए संस्कृत भाषा एकदम जटिल होती जाती है जो हमारे समझ में नहीं आता है। तो आज आपको हम इतने आसानी से इतने सरल ढंग से इसमें क्या चीजें बताई गई है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और आज के बाद आपको यह नहीं लगेगा कि ये माहेश्वर सूत्र टिफिकल है। तो देखिए जो 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी आचार्य पाणिन ने एक सिस्टम से कैसे व्यवस्थित किया है, थोड़ा सा इसके व्यवस्था क्रम के बारे में भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए ये 14 प्रकार की जो ध्वनियां हैं, ये 14 प्रकार की ध्वनियों में है क्या,
जो 14 माहेश्वर सूत्र आचार्य पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियां निकली थी, उन ध्वनियों को जो संकलित किया है, आखिर उन ध्वनियों में है क्या, यह जानना तो जरूरी है। आपसे कह दिया गया कि आप एकदम रट डालिए, जुबान पर होना चाहिए, लेकिन यह हमारे समझ में नहीं आ रहा कि मित्रों है क्या चीज, कैसे हम कहते हैं कि यह वैज्ञानिक भाषा है। तो देखिए, सबसे पहले इस व्यवस्था क्रम को आप देख लीजिए और आज के बाद आपको माहेश्वर सूत्र रटना नहीं है। तो देखिए, कह रहे कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं आचार्य पाणिनि ने कैसे उसको व्यवस्थित किया है, तो कह रहे कि इस 14 माहेश्वर सूत्रों में है क्या भैया, तो कह रहे कि संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला क्या है, इसमें समाहित क्या है, व्यवस्था क्रम में क्या है, क्या है, तो कह रहे कि संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला, संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला, इस 14 माहेश्वर सूत्रों में क्या बातें बताई गई हैं, कह रहे कि आचार्य पाणिनि ने बताया कि जो संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला है, उस वर्णमाला को इस माहेश्वर सूत्र में समाहित किया गया है। कैसे समाहित किया गया है, तो कह रहे कि मैंने इस व्यवस्था क्रम में सबसे पहले जो हमने पहला सूत्र बनाया है, दूसरा सूत्र बनाया है, तीसरा सूत्र बनाया है, चौथा सूत्र बनाया है, सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक, कह रहे कि इस व्यवस्था क्रम में हमने किया क्या है भैया, कह रहे कि हमने स्वरों का विधान कर दिया है, पूरे माहेश्वर सूत्र में 1 से 4 तक के सूत्रों में हमने स्वरों को व्यवस्थित किया है। तो देखिए, अब आपको रटना नहीं है, आपसे कोई पूछे कि माहेश्वर सूत्र में क्या है, तो आप बता सकते हैं एकदम सरल ढंग से कि भैया आयुण रील रीक ए ओम ए औच, इसमें आचार्य पाणिनि जी ने क्या किया है, स्वर के बारे में बताया है। फिर कह रहे हैं कि स्वरों के बताने के बाद हमने क्या किया है, तो कह रहे कि स्वरों के बताने के बाद हमने अर्ध स्वर के बारे में बताया है। स्वरों के बाद हमने क्या बताया है भैया, कह रहे कि हमने अर्ध स्वर के बारे में बताया है, तो कह रहे कि सूत्र संख्या 5 और सूत्र संख्या 6 है वरट लड़, है वरट लड़, इन दो सूत्रों के बारे में हमने अर्ध स्वर के बारे में बता दिया है। तो देखिए, आपको रटने की जरूरत क्या है, सबसे ऊपर इन्होंने अर्ध स्वर, सबसे ऊपर इन्होंने स्वरों के बारे में बताया है, उसके लिए 4 सूत्रों का निर्माण किया था, आयुण रील रीक ए ओम ए औच। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद हम निचले क्रम में क्या बताए हैं, अर्ध स्वर के बारे में बताए हैं और 2 सूत्रों का निर्माण किया है, हय वरट लण। तो देखिए कितना व्यवस्थित है, कितना सिस्टम इसमें है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। फिर कह रहे हैं कि अर्ध स्वर के बाद हमने क्या बताया भैया, कह रहे हैं कि वर्णों के पंचमाक्षर, वर्णों के पंचमाक्षर, आप देखिए 7वां सूत्र देखिए, यम नरनम क्या है, 7वां सूत्र आपका जो है, इसमें क्या है, या है, मा है, ना है, रा है, ना है, मा है, 5ों पंचमाक्षर वर्ण जो हैं
सारे वर्गों के पंचम वर्णों को एक जगह ला करके आचार्य पाणिनि जी ने रख दिया है। कितनी बढ़िया व्यवस्था भैया, ये दुनिया की और कोई ऐसी भाषा नहीं बनी है जो इस व्यवस्था क्रम में हो। तो कह रहे हैं कि अब आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए कि आचार्य पाणिनि ने अपने पांच सातवें सूत्र में क्या बताया है। तो व्यवस्था क्रम में बता दिया कि सबसे ऊपर स्वर है, उसके बाद मैंने अर्ध स्वर के बारे में बताया है, फिर हमने वर्गों के पंचम वर्णों को एक जगह रख दिया, और इसको बताने के बाद फिर कहते हैं कि पंचम वर्णों के बाद हमने क्या किया भैया, कह रहे कि वर्गों के चतुर्थ वर्णों को एक जगह रख दिया है। वर्गों के चतुर्थ वर्ण को किस सूत्र में हमने बताया है, करें कि हमने दो सूत्र का निर्माण किया है, सूत्र संख्या 8 और सूत्र संख्या 9। देखिए झ भ य घ ढ ध श, कितनी मारिक बातें हैं, जरा देखिए क्या यह बातें सत्य हैं। झा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है भैया, चौथा वर्ण है। भा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है। फिर कह रहे हैं कि घा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा। ढा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है। धा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है। तो एक चीज और आपको जानकारी होती चली जा रही है कि देखिए चतुर्थ वर्णों को जो इन्होंने संकलित किया है एक जगह दो सूत्रों में, आठवें और नौवें सूत्रों में सारे चतुर्थ वर्णों को रखा है, और इनकी संख्या की भी ज्ञान आपको हो गया कि जब भी कोई आपसे पूछे कि भैया बताइए पूरे माहेश्वर सूत्र में चतुर्थ वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 एकदम क्लियर हो गया। कौन कौन से वर्ण हैं यह भी आप आसानी से जान सकते हैं। इसी तरह से देखिए वर्गों के पंचम वर्णों में भी आपने देखा था कि सारे पंचम वर्णों को एक जगह रख दिया गया है, कितनी संख्या है, 5 वहां भी है। अब कह रहे हैं कि चतुर्थ के बाद हमने वर्गों के तृतीय वर्णों के बारे में अध्ययन कराया है, यह सूत्र संख्या 10 है। इस दसवें सूत्र के अंतर्गत जब गड 10 ज ब ग ड द श, कितनी मार्मिक व्यवस्था है, कह रहे हैं कि मैंने अपने दसवें सूत्र के अंतर्गत सारे तृतीय वर्णों को, माहेश्वर सूत्र में जितनी ध्वनियां हैं तृतीय वर्ण की, सबको एक जगह व्यवस्थित कर दिया है, और मैंने सूत्र संख्या 10 बना दी है। और कह रहे हैं कि देखिए जा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, बा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, गा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, डा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, दा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। संख्या कितनी भैया, 5। तो इतना आसानी से आप पढ़ सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि तृतीय वर्णों के बाद हमने क्या किया है, कह रहे हैं कि वर्गों के द्वितीय वर्णों के बारे में हमने बताया है। वर्गों का द्वितीय वर्ण क्या है, दसवें के बाद जब हमने 11वें सूत्र और 12वें सूत्र पर आया, तो कह रहे हैं कि इसके बाद द्वितीय खप छठत, खप छठत चटतौ कपय, सूत्र संख्या 11 और 12। ये दो सूत्र ऐसे हैं, खप छठत चटतौ कपय, कह रहे हैं कि इसमें हमने वर्गों के द्वितीय वर्णों, सारे वर्ग के जो द्वितीय वर्ण हैं, ख फ छ ठ थ, एक जगह लाके व्यवस्थित कर दिया है, और इनकी संख्या भी हमने बता दिया कितनी है संख्या भैया, 5 है।
फिर कह रहे हैं कि उसके नीचे हमने क्या किया है, जो कह रहे हैं कि वर्गों के प्रथम वर्ण है, वर्गों के प्रथम वर्ण है, हमने उनको व्यवस्थित कर दिया है मित्रों, उनकी भी संख्या पांच है। और देखिए इस 14 माहेश्वर सूत्र में जो सबसे निचला क्रम है, कह रहे कि ऊष्म प्रत्याहार के वर्ण है, जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण है कौन, कह रहे कि शा 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 सस सर हल। देखिए सूत्र संख्या 13 और सूत्र संख्या 14, जो सबसे निचला क्रम बनाया गया है, जहां उष्ण वर्णों को रखा गया है, वहां हमने दो सूत्रों के बारे में चर्चा किया और कह रहे हैं कि सबसे ऊपर हमने स्वरों के बारे में बताया है, संपूर्ण स्वर, और इस संपूर्ण स्वर के का विधान हमने कितने सूत्रों में किया है, 4 सूत्रों में किया है, 4 सूत्रों में किया है। और सबसे निचले क्रम में मैंने क्या किया है, कह रहे हैं कि हमने ऊष्म वर्णों के बारे में अध्ययन कराया है, कौन कौन से वर्ण है भैया, तो कह रहे हैं कि शाह है, मूर्धन्य सकार है, दंत सकार। ये भी देखिए कितना क्रम है, कैसे इस भाषा को व्यवस्थित किया गया है, पहले तालव्य सकार का प्रयोग है, तालव्य है, फिर क्या है, कह रहे हैं कि मूर्धन्य है, मूर्धन्य सकार है, फिर कह रहे हैं दंत सकार है। तो देखिए सकारों का कैसे व्यवस्थित क्रम आचार्य पाणिनि जी ने किया है, और कैसे देखिए उन ध्वनियों में निकली है, पहले तालव्य सकार निकला, इसके बाद मूर्धन्य सकार निकला, इसके बाद दंत सकार निकला। तो कह रहे हैं कि मैंने इसी ढंग से व्यवस्थित कर दिया है संपूर्ण माहेश्वर सूत्र को। तो एक बार फिर से आप मित्रों इस बात को देख लीजिए, कह रहे हैं कि आचार्य पाणिनि जी आपको यह बताना चाहते हैं कि जो भगवान शिव के डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, उन ध्वनियों को हमने कैसे व्यवस्थित किया है। तो कह रहे हैं कि सबसे ऊपर हमने स्वरों का विधान किया, फिर अर्ध स्वर का विधान किया, फिर वर्गों के पंचम वर्णों के बारे में बताया है, फिर वर्गों के चतुर्थ वर्णों के बारे में बताया है, फिर वर्गों के तृतीय वर्णों के बारे में बताया है, फिर वर्गों के द्वितीय वर्णों के बारे में बताया है, और इसके बाद वर्गों के प्रथम वर्णों के बारे में बताया है, और सबसे निचले क्रम पर हमने जो है ऊष्म वर्णों के बारे में बताया है। तो आज के बाद से आपको रटना नहीं है, यदि कोई इसी व्यवस्था क्रम में आपको पढ़ना है मित्रों, कि अयुण रील रिक से लेकर के हल तक आप रटते रह जाइए, और इसमें क्या बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या चीज, ये आगे आइए एक बार पुनः, कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वह उस व्यवस्था क्रम में है, उस व्यवस्था क्रम में सही पाणिनि जी ने किया है कि केवल हम ऐसे पढ़ ही रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से देखा जाए, तो एक बार मित्रों जरा देख लीजिए, कह रहे हैं कि सबसे ऊपर हमने स्वरों के बारे में अध्ययन किया है मित्रों। तो देखिए स्वरों के बारे में अध्ययन करने का मतलब क्या है, कि सूत्र संख्या 1, सूत्र संख्या 1 से 4 तक, यही तो आपने पूछा है कि सबसे ऊपर क्या है, स्वर है। इसका मतलब सही बात है कि आचार्य पाणिनि ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही बनाई है। 1 से 4 तक के सूत्रों में इन्होंने क्या किया है,
स्वर के बारे में आपको बता दिया मित्रों। देखिए सूत्र संख्या 5 और 6, यहां हमने क्या किया है, अर्ध स्वर के बारे में जाना है। अर्ध स्वर, इसका मतलब सही क्रम है, सबसे ऊपर क्या था, स्वर था, इसके बाद क्या है, अर्ध स्वर है, फिर क्या बताना चाहते हैं, आपका सूत्र संख्या 7 है। कह रहे कि अर्ध स्वर के बाद हमने क्या बताना चाहा आपको, तो कह रहे कि वर्गों के पंचम वर्णों के बारे में बताया है, तो आपका सूत्र संख्या 7 क्या है, यमगणनम, यमगणनम। यहां से आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए पूरे माहेश्वर सूत्र में पंचमाक्षर वर्ण कितने हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कितना मार्मिक है भैया कि एकदम सारे पंचमाक्षर वर्णों को एक जगह समाहित किया है सूत्र संख्या 7 में। आइए इस पर देखिए, तो कह रहे कि पंचम वर्णों के बाद, यहां पंचम वर्ण है, फिर कह रहे कि इसके बाद हमने क्या किया है, कह रहे कि चतुर्थ वर्णों को रखा है, चतुर्थ वर्ण को रखा है। अब कह रहे कि ये चतुर्थ वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण जो है हमने कितने सूत्रों में रखा है, तो कह रहे कि इसके लिए हमने 8वां और 9वां सूत्र बनाया है मित्रों। 8वें और 9वें सूत्र में हमने चारे चतुर्थ वर्णों को रख दिया है। देखिए झा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, भा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, घा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, ढा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है और धा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है मित्रों। तो देखिए इसलिए सारे चतुर्थ वर्णों को एक जगह रख दिया है, 2 सूत्रों में रखा है। आपसे कोई प्रश्न भी पूछ सकता है कि भैया संख्या इनकी कितनी है, तो इनकी भी संख्या देखिए 5। पूरे माहेश्वर सूत्र में चतुर्थ वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपने देखा कि इनकी संख्या 5 हो सकती है। करें कि इन चतुर्थ वर्णों के बाद हमने क्या बताया है, करें कि तृतीय वर्ण का वर्णन किया है, तृतीय वर्ण, इसका मतलब यह भी सही है। आपको 10 कोई कहता है तो 10 का मतलब सारे तृतीय वर्ण, पूरे माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 10 में तृतीय वर्ण का ज्ञान आचार्य पाणिनि ने आपको कराया है। और देखिए जब गढ़ 10, यहां पर भी एक बड़ा मार्मिक प्रश्न है और आज के बाद यह रटना नहीं है। कोई पूछे कि भैया संख्या कितनी है तृतीय वर्णों की, तो यहां भी संख्या 5 निकल करके आ रही है, तो इससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है, इस व्यवस्था से आपको पढ़ना है। कह रहे कि जब मैंने तृतीय वर्ण का वर्णन का अध्ययन कराया आपको, उसकी व्यवस्था को बताया, तो कह रहे कि तृतीय के बाद द्वितीय वर्णों का स्थान आता है, तो 11वें सूत्र में देखिए खफ चठत, खफ छठत, देखिए खफ छठत एक प्रकार की ध्वनियां हैं, ध्वनियों को कैसे व्यवस्थित किया है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया है। करें कि जितनी ध्वनियां एक प्रकार से निकलती थी, एक स्थान से निकलती थी, हमने उसको एक जगह रख दिया है। 11वें सूत्र में मैंने क्या रखा है, सारे द्वितीय वर्णों का आपको अध्ययन कराया है और इनकी संख्या का ज्ञान भी आप जान लीजिए कि इनकी भी संख्या 5 ही है, इनकी संख्या 5 ही है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि द्वितीय के बाद, द्वितीय के बाद हमने क्या बताया है,
तो कह रहे हैं कि वर्गों के प्रथम वर्णों का ज्ञान कराया है या वर्गों के प्रथम ध्वनियों को व्यवस्थित किया है। तो देखिए च ट त क प, तो दो चीज हमने बताया था 11 और 12 में द्वितीय और प्रथम वर्णों को व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए इनकी भी संख्या कितनी है, इनकी भी संख्या 5 है। ये द्वितीय वर्ण है, द्वितीय वर्ण है और इसके बाद प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। इसके बाद करें कि हमने निचले व्यवस्था क्रम में क्या रखा है, ऊष्म वर्णों को रखा है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए हमने दो सूत्र बनाया है और दोनों सूत्र क्या है, सस सर हल। तो कितना मार्मिक है देखिए, तीनों सकारों को इन्होंने एक जगह रख दिया है और यह भी बता दिया है कि इस भाषा में, संस्कृत भाषा में सबसे पहले तालव्य सकार का प्रयोग होना चाहिए, इसके बाद मूर्धन्य सकार का प्रयोग होना चाहिए, इसके बाद दंत सकार का प्रयोग होना चाहिए। इसको हमने कैसे व्यवस्थित किया है, तो कह रहे कि माहेश्वर सूत्र में जिस प्रकार से ध्वनियों का आगम हुआ है, ध्वनियां निकली हैं, उन ध्वनियों का व्यवस्था क्रम इस ढंग से हमने व्यवस्थित किया है। तो कह रहे हैं कि ऊष्म वर्णों को हमने दो सूत्रों के अंतर्गत व्यवस्थित किया है, सस सर हल। 13 और 14 सूत्र को जो हमने बनाया है उसमें हमने ऊष्म वर्णों को रखा है और यहां बता दिए कि इनकी संख्या कितनी है। तो कह रहे हैं कि इनकी संख्या 4 है। तो देखिए थोड़ा सा यहां पर आप देख लिया जाए, सुरों की बात होती है, खैर स्वर की चर्चा मैं अपने अगले डेमो क्लास में करूंगा, स्वर और व्यंजन की, वहां व्यवस्थित ढंग से आपको बताऊंगा। आज के क्लास में केवल उद्भव, माहेश्वर सूत्र, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका व्यवस्था क्रम क्या है, मैं केवल इतने पर ही आज चर्चा करूंगा। तो देखिए थोड़ा सा यहां पर भी चर्चा कर देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि 4 सूत्रों में हमने क्या किया है भैया, स्वरों के बारे में बताया है। तो देख लीजिए, कह रहे कि आ ई उ हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाता है, उनकी गणना नहीं होती है। दूसरे में क्या है, रील रिक, ये पहला जो और दूसरा सूत्र है इसमें हमने मूल स्वर के बारे में बताया है। जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं पहले और दूसरे सूत्रों के अंतर्गत मैंने क्या किया है, मूल स्वर के बारे में बताया है और इनकी संख्या हमने बता दिया कितनी है भैया, 5 है। कह रहे कि जो दूसरा और तीसरा सूत्र है उसमें हमने क्या बताया है, तो कह रहे कि ए ओम ए औच, कह रहे कि ऐसे सुरों का जो है निर्माण किया गया है या हमने ऐसे सुरों के बारे में बताया है जो दो सुरों के मेल से बने हुए हैं, संयुक्त सुर हैं। ये क्या है, मूल सुर हैं और ये क्या है, संयुक्त सुर हैं, संयुक्त स्वर, इनके बारे में हमने अध्ययन कराया है। तो कह रहे कि इनकी संख्या कितनी है भैया, तो कह रहे कि इनकी संख्या 4 है। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न निकल करके आता है कि आचार्य पाणिनि जी ने जो संस्कृत व्याकरण माहेश्वर सूत्र का जो संकलन किया है उसमें कुल संस्कृत के स्वरों की संख्या कितनी बता दी है, तो 4, 5+4 इसको जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है मित्रों। तो देखिए एकदम सिस्टम से आइए, फिर कह रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा हम लोगों ने अर्ध स्वर के बारे में, दो सूत्रों के बारे में देखा है, संख्या कौन कौन सी है, तो कह रहे हैं कि या वा रा ला, यहां संख्या 4 हो गई। अब एक बार पूरे सिस्टम को मैं फिर से अवगत करा देना चाहता हूं, सबसे ऊपर मूल स्वर, सबसे ऊपर
आचार्य पाणिन जी ने क्या बताया है, तो सुरों के बारे में बताया है, चार सूत्रों में बताया है, पहले दो में मूल स्वर के बारे में बताया है, संख्या कितनी बताई है, पांच बताई है, तीसरे और चौथे सूत्र में उन्होंने क्या बताया है, ऐसे स्वर के बारे में बताया है जो दो स्वरों के योग से बने हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, कह रहे हैं कि चार है, ए ओ आए आओ। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद हमने क्या बताया है, अर्ध स्वर के बारे में बताया है पांचवें और छठे सूत्र में, कौन कौन से वर्ण हैं, या वारा ला। फिर कह रहे हैं कि हमने पंचम वर्णों का ज्ञान कराया है, आपने देखा यमगणनम, संख्या कितनी है, पांच। चतुर्थ वर्णों का ज्ञान कराया है आठवें और नौवें सूत्र में, संख्या कितनी है, पांच। तृतीय वर्णों का ज्ञान इसके बाद कराया है, संख्या कितनी है, पांच। द्वितीय वर्णों का ज्ञान कराया है, संख्या कितनी है, पांच। प्रथम वर्णों का ज्ञान कराया है, संख्या कितनी है, पांच। और सबसे नीचे किसका ज्ञान कराया गया है, उष्ण वर्णों का ज्ञान कराया गया है, संख्या कितनी है, पांच। तो आज देखिए कैसे यह वैज्ञानिक भाषा है, आप स्वतः जान सकते हैं कि वाकई में संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। आज से हमको इस ढंग से पढ़ना है, चाहे जैसा प्रश्न पूछा जाएगा हम गलत नहीं करेंगे मित्रों। और अपने अगले डेमो क्लास में हम स्वर और व्यंजन के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे, और इसी के साथ साथ आप लोग जल्दी से जो है एडमिशन लें और क्लास को स्टार्ट किया जाए, और समय बहुत कम है, आप एक एक क्षण का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास का यहीं समापन किया जाए, धन्यवाद।